देहरादून में हो रही भारी बारिश ने देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाया है। सड़कें बह चुकी हैं, लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया है, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। वहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुभाष कौर जब मालदेवता क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मालदेवता फार्म नदी में डूबा हुआ है। फार्म में खड़ी गाड़ियां नदी के पानी में पूरी तरह से डूब गई है। देर रात से हो रही उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बारिश के बाद राजधानी देहरादून में भी लगातार हो रही बारिश के बाद अभी कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून से सटा क्षेत्र मालदेवता में भी जो बारिश है वो आफत बनकर आई है। और ये आप देख सकते हैं, मालदेवता क्षेत्र है जहां देर रात से आई बारिश के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि जो आप नदी देख रहे हैं ये नदी का मुख्य मार्ग नहीं है, नदी का मुख्य मार्ग उस तरफ से बहता है, लेकिन क्योंकि बरसात इतनी ज्यादा हुई कि आपदा जैसी स्थिति मालदेवता में बन चुकी है। और यही जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो मालदेवता पहुंची है। ये देख सकते हैं, मालदेवता का एक प्राइवेट रिसोर्ट था जहां नदी ने अपना रुख बदला और इस रिसोर्ट के अंदर पानी घुस गया। आप देख सकते हैं पार्किंग में लगी एक गाड़ी भी इस रिसोर्ट में धस चुकी है पानी की वजह से, और पूरे रिसोर्ट के अंदर पानी भर चुका है, यानी कि जो गाड़ियां इस रिसोर्ट के अंदर थी वो दब चुकी हैं, जो लोग इस रिसोर्ट के अंदर थे उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। और कुल मिलाकर मालदेवता क्षेत्र में एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि आपदा जैसी स्थिति बन गई है। ये मालदेवता का मुख्य चौक है जहाँ से टीरी के लिए जाते हैं, चंबा के लिए जाते हैं, धनौल्टी के लिए जाते हैं और कद्दूखाल के लिए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पहाड़ी से बरसात के बाद इतना मलबा आया कि पूरा जो मार्ग है पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और SDRF और तमाम जो विभाग हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और देर रात से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जानने की जरूरत है कि राजधानी देहरादून के वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इस तरीके की आपदा आई, और उस आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार प्रशासन किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। देहरादून में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीं सुबह मालदेवता से सटे कुमालदा क्षेत्र में दून डिफेंस एकेडमी का 5 मंजिला भवन गिर गया। गनीमत रही कि यहां कोई नहीं था, पुलिस प्रशासन ने रात में ही इसे खाली करवा लिया था। वहीं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुभाष गौर ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम मालदेवता चौक से लगभग 5 किलोमीटर आगे आई है, और आगे आने के बाद उन्होंने देखा जो एक संस्थान था, यानी कि एक प्राइवेट संस्थान था, वो जिस तरीके से टूटा था उसकी पूरी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये दून डिफेंस एकेडमी नदी के किनारे बनाया गया था, और जिस तरीके से बरसात आई उसके बाद नदी का जो रुद्र रूप हुआ उसके बाद इसको भी उसने कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त कर दिया, और जो पूरी दून डिफेंस एकेडमी है वो कहीं ना कहीं इस नदी में समा गई। यानी कि ये कहा जा सकता है कि नदी किनारे जो भी लोग बसे हैं उनको पहले से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर रख रहा था, उनसे निवेदन कर रहा था कि नदी किनारे जो लोग रहते हैं वो इस समय नदी किनारे से हट जाए, लेकिन अभी भी कई लोग नदी किनारे रह रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है। हालाँकि ये जो क्षेत्र है ये भी राजधानी देहरादून में आता है, लेकिन इस क्षेत्र के दूसरी तरफ अगर बात करें तो टिहरी बॉर्डर लग जाता है, यानी कि देहरादून और टिहरी बॉर्डर के बीच का ये पूरा मार्ग है। और जिस तरीके से ये नदी अपना मुख्य मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर बह रही है तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि इसने नीचे मैदानी क्षेत्रों में कितना नुकसान किया होगा। हालांकि इस नदी की वजह से जो मुख्य मार्ग थे, जो रास्ते थे, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और इस दून डिफेंस एकेडमी में आने का जो मार्ग था आप देख सकते हैं उसको भी नदी की वजह से टूट गया। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बरसात में नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम उन तमाम क्षेत्रों में जाएगी जहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और जहाँ अभी तक प्रशासन नहीं पहुँचा है। क्या कुछ नजारा था देखिए। उत्तराखंड में पुलों के टूटने का सिलसिला जारी है। लगातार पुल टूटने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ देहरादून की रायपुर विधानसभा में देखने को मिला, जहां थानो और भोगपुर को जोड़ने वाली अप्रोच रोड नदी में समा गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई गिर रहे पुलों के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो स्थानीय
लोगों को क्या कुछ कहना है, स्थलीय निरीक्षण के दौरान गणेश बुदियाल ने क्या कुछ कहा और हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इससे पहले आपको दिखाया राजधानी देहरादून के माल देवता क्षेत्र में जिस तरीके से बरसात के बाद हुए नुकसान से लोगों को समस्या आ रही है। तो अब मैं जो आपको स्थान दिखा रहा हूँ ये है थानो भोगपुर मार्ग का मुख्य पुल जो कि इस बरसात की वजह से टूट गया। आप देख सकते हैं कि पुल टूटने के बाद जो लोग उस तरफ मौजूद थे वो वहीं मौजूद हैं और जो भोगपुर के बाद इन गाँव के लोग थे वो शहर की तरफ यानी राजधानी देहरादून की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर पूरी कनेक्टिविटी उनकी टूट गई है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इसके साथ ही उनके राशन पानी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी राजधानी देहरादून से टूट गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा था, प्रशासन आगे क्या करता है ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब कब टूटा और क्या वजह मानते हैं इसकी? अच्छा लगता है ये यहाँ के स्थानीय नागरिक नहीं हैं, कोई व्यक्ति हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जितने भी लोग हमें मिले उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आखिरकार क्या एक बड़ी वजह है जिस वजह से ये पुल टूटा है। हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या लगता है किस वजह से ये पुल टूटा है? देखिए लगातार अवैध खनन के मामले में यहाँ पे प्रदेश में मांग हो रही है कि पुलों के पास खनन नहीं हो सकता, करना चाहिए। यहाँ से लगभग 100 मीटर नीचे खनन हो रहा था और पिछले कई सालों से लगातार खनन हो रहा है। ऊपर पुश्ते टूटे हुए थे, कॉजवे टूटे हुए थे, हम लोगों ने मांग की थी कि मरम्मत कर दे, किसी अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी, किसी नेता ने इस क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुनी। उसका नतीजा है आज ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। जब खनन नीचे होता है उसका इम्पैक्ट हमेशा ऊपर आएगा, नीचे गहरी हो जाती है जगह, ऊपर से फिर मलबा बह के वहाँ खींचता है जिसकी वजह से ये पुल खतरे की जद में आया है। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी यहाँ पे उत्तराखंड में ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम दिया जा रहा है और उनका काम की क्वालिटी इतनी खराब है कि वो टिकता नहीं है। चाहे रानी पोखरी का पुल रहा हो उसमें भी करोड़ों रुपया इन्होंने अपने कार्यकर्ता को दिया, उसका नतीजा ये रहा उसी साल वो पुल गिर गया और यही नतीजा यहाँ पे आया है और यही नतीजा आज जबरा वाला पुल पे आया है जो क्रैक हो गया है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काम दिया था और बार बार अखबार में छपा कि काम सही नहीं हुआ और आज उसका नतीजा आप देखेंगे वो पुल पे क्रैक आ गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस जरूर यहां सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जब प्रशासन को पहले से बता दिया गया था कि यहां ऐसी स्थिति बन सकती है तो प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हालांकि अब इंतजार है उन लोगों को इस रोड से देहरादून जाने का, यानी कि कनेक्टिविटी को फिर से एक बार जोड़ने का। उम्मीद की जाती है कि शायद सरकार और प्रशासन जल्द इस पुल को ठीक करके लोगों को फिर से देहरादून से जोड़ पाएगा। देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक वर्ष बरसात होती है और ऐसा नहीं कि इस वर्ष जो बरसात हुई वो अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत अधिक हो। सामान्य रूप से बरसात हो रही है और हर साल बरसात होती है, पर जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं तब से अमूमन ये ट्रेंड बन चुका है कि बरसातों में लगातार पूरे प्रदेश भर में पुल धराशायी हो रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी का कोटद्वार के टूटे हुए पुल के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहना कि वो लगातार इस बात को कह रही थी कि उसके आसपास खनन चल रहा है और इसके कारण ये पुल खतरे में है और अंततः वो पुल टूट गया, आज यही यहाँ पर दिख रहा है जो कि भोगपुर जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पुल टूट चुका है। हमारे साथी भाई गौरव सिंह जी ने कई बार सरकार को ये पत्र लिखा, सरकार के नॉलेज में इस बात को लाए कि यहाँ पर खनन चल रहा है जिसके कारण इस पुल खतरे में आ सकता है और आज वही बात साबित हो गई। उनको जोड़ने वाला मेन लिंक रोड है, पिछली बार जो है नीचे हमारा मेन पुल बह गया था तब लोगों को श्यामपुर होके आना पड़ा था। अब ये है, अब ये इस समय जो है टूटा है तो ये जो हमारा जो पूरा जो है गडूल और मापसी और ये आपका जो है मालकोट ये सब के लिए जो है इससे इसका लिंक कट गया, तो ये जो है जितने पूरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वो है क्योंकि अब आपको जो है रानी पोखरी होते हुए जो है वाया देहरादून जाना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि आसमानी आफत लगातार कहर बनकर लोगों पर टूट रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जनजीवन प्रभावित है। अब देखना होगा कि ये आसमानी आफत कब तक कहर बन पाती है।